पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरे पास ये जुबिलेंट फूड के शेयर है, 726 की खरीदी है। जुबिलेंट फूड्स, सॉरी, जुबिलेंट इंगरवा, सॉरी। हाँ ठीक है, जुबिलेंट इनग्रीविया है। जुबिलेंट इनग्रीविया दरअसल जी, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस के फार्मा कारोबार को अलग किया था, कंपनी ने डीमर्ज किया था और 2 साल पहले इसको लिस्ट कराया था मार्च 2021 में, और जुबिलेंट लाइफ साइंसेस थे उसका नाम, फिर बदलकर उन्होंने जुबिलेंट फार्मोवा कर दिया था। तो ये जुबिलेंट इनग्रीविया इनके पास है। आस्था, हमने देखा था कि शुरुआत में जब ये इसको डीमर्ज करके लिस्ट कराया, शेयर बहुत तेजी से ऊपर गया था। एक झटके में हमने देखा था कि 600 700 800 रुपए तक ये पहुंच गया। उसके बाद जब ये फिसला ऊपर से, तो काफी हद तक हमने देखा है कि रेंज बाउंड ही ये ट्रेड किया है शेयर ने, 450 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। आपको लगता है कि जिस भाव पर महेश जी ने खरीदा है ये भाव लौट के आएंगे? अगर हाँ तो कब तक, कितना समय देना पड़ेगा? जी देखिए, जुबिलेंट इंग्रीविया की बात करें तो समय यहाँ पे बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ने अपने कुछ एक केपेक्स प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जहां तक मुझे ध्यान आता है, और उसमें उन्होंने ये टूवर्ड्स नॉन कमोडिटी बिजनेस, यानी कि स्पेशलिटी केमिकल्स और न्यूट्रिशन जो बिजनेस है उसको लेके किए थे, तो वो एक अच्छे मार्जिन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन होल्डिंग बिजनेसेस हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब भी यहाँ पे फ्रक्टिफाई होगा तो कंपनी को यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी जुबिलेंट इंग्रीविया में, शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ फायरवर्क्स हमें देखने को ना मिले। तो ये रहा आपको जुबिलेंट इंग्रीविया में देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म में इतना कुछ बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से मौजूद हैं, रणधीर कुमार जी ने संपर्क किया हमें। रणधीर जी नमस्कार, पूछिए कैसा सवाल है आपका।